उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोविड 19 की हिदायतों को जिले में लागू किया गया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग करने के लिए 920 टीमों का गठन किया गया, जिसमें पटवारी, सेक्रेटरी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर व टीचर्स को शामिल किया गया था। टीम के द्वारा घर घर जाकर यह पता किया गया कि परिवार का कोई सदस्य कोरोना संक्रमित तो नहीं है। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाएं, तो उन्हें होम आइसोलेट किया गया। इसके अलावा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए भेजा गया। कोविड 19 के पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में स्क्रीनिंग के सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। जिला प्रशासन के सतर्कता से पलवल जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड 19 को लेकर लोगों को सावधानियां बरतनी जरूरी है। इसके लिए सामाजिक दूरी का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं व हाथों को साबुन व सैनिटाइजर से समय समय पर साफ करें। पलवल में जैसे ही इसका सेकेंड वेव कोरोना का इम्पैक्ट आया, तो हमने इसकी जो स्क्रीनिंग थी, एक रेगुलर स्क्रीनिंग वीकली पटवारियों के माध्यम से और सेक्टरों के माध्यम से जारी की। ये हमारी स्क्रीनिंग 1 मई से ही शुरू हो गई थी स्क्रीनिंग, और उस स्क्रीन के बेस पे ही हमने मेट्रो कंटेनमेंट जोन बनाए थे। और अब जो हरियाणा सरकार की गाइडलाइन आई, डायरेक्शन आई कि भाई हर रूरल एरिया में स्क्रीनिंग कराओ डोर टू डोर। जो हमारी पहले वाली स्क्रीनिंग थी, वो पटवारी और सेक्ट्री गांव में जाके ये पता करते थे किसके ऊपर ये ILI के या सारी का इफेक्ट आ रहा है या कौन सिम्टोमेटिक है। ये स्क्रीनिंग हमने 920 टीमें बनवाई पूरे हमारे पलवल में, रूरल एरिया में और अर्बन में, दोनों में। और इन्होंने डोर टू डोर स्क्रीनिंग की। इसके अंदर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर थी, आशा वर्कर थी, हेल्थ की टीम थी, हमारे टीचर थे। इन्होंने हर घर में जाके एक फॉर्मेट के ऊपर ये पता किया कि कोई हमारा बीमार तो नहीं है। अगर किसी के अंदर सिम्टम मिले, उनको हमने वहाँ पे हेडक्वार्टर टीम बनाई। वहाँ पे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल थे, इसके अंदर ANM वगैरह थी, वहाँ से उनको चेक किया। और चेक करने के बाद जो लगा कि सीरियस है या जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। और इसमें हमने पॉजिटिविटी रेट रैपिड एंटीजन से मौके पे ही किया। और बड़ी खुशी की बात है कि हमने ये 28 तारीख को जो सर्वे था हमारा रूरल का, वो भी कंप्लीट कर दिया, और अर्बन का भी सर्वे हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमारी आबादी जो है, लगभग आबादी हमारी 10.5 लाख के आसपास है, और हाउस होल्ड हैं वो 1,20,000 हाउस होल्ड, यानी 2,20,000 हाउस होल्ड हमने इसमें कवर किए। और इस सर्वे से हमारे पास एक इफेक्ट आया है कि जो हमारा रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो 1.2% है, जिससे कि ये हमें लग रहा है कि अब हमारे यहाँ वायरस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। और वो लिंक भी हो गया है, क्योंकि अब हमारे केस 50 से भी नीचे केस आने शुरू हो गए। हमारे ज़िले में जो मुख्यमंत्री जी ने टीमें भेजी हैं जाँच के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, उससे हमारे इलाके में कोरोना महामारी पर बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। नहीं तो ये महामारी ऐसी आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा मौतें हो जाती हैं। इस स्क्रीनिंग में हमारा पलवल ज़िला नंबर 1 पर रहा है, और हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे CMO साहब, हमारे DC साहब नरेश नरवाल जी और ब्रह्मदीप जी और बाकी स्वास्थ्य कर्मचारी तथा हमारे विधायकों का बहुत सजग प्रयास रहा है, जिससे कोरोना से जितना नुकसान होता है उससे बहुत कम ही नुकसान हुआ है, बचाव हो गया है बहुत हद तक। और जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया गया है, इसमें सभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी पूरा सहयोग किया गया है, क्योंकि ब्रह्मदीप जी और DC साहब नरवाल साहब ने सभी को बहुत सजग किया कि तुरंत वैक्सीनेशन कराई जाए। तो सामाजिक संस्थाओं ने वैक्सीनेशन में बहुत सहयोग किया, और हमारा जिला पलवल नंबर 1 पे रहा है इस सजगता के कारण, और सबसे कम परेशानी हुई है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला है, ये बहुत समझदारी का प्रयास है, और हम अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। जी संजय जी, तो अभी जो हम देख रहे हैं अभी कोविड के बारे में, अभी जो हमारा कोविड में पहले क्या था कि यहाँ सिचुएशन पलवल में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग का बहुत अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने स्क्रीनिंग
किया है आपका कोविड के वैक्सीनेशन किया है, और यहाँ तक कि जो लॉकडाउन वगैरह हुआ उससे हमें ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, उससे क्या है कि हमारे जो रिकवरी रेट अच्छा रहा है। आज जो पलवल में जो हमारा हरियाणा में नंबर वन है, वो सब हमारे डॉक्टर्स की और हमारी जो पूरी टीम जो लगी हुई थी, फ्रंट लाइनर थे, उन सबकी बदौलत आज हम नंबर वन पे हैं हरियाणा में। और हम तहे दिल से इन सभी आपका फ्रंट लाइनर का, सरकार का, हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। तो पूरे हरियाणा में हमारा जो पलवल ज़िला है वो स्क्रीनिंग में नंबर वन रहा है। घर घर जाकर गांव में टेस्टिंग की, जिस तरह से गांव में केसेस निकले थे, मौत का आंकड़ा बढ़ा? नहीं, मौत का जो आंकड़ा बढ़ा है गांवों में से बहुत कम हुआ है, बट उसके बाद भी हमारे स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा रिस्पांस दिया है। उसके बावजूद भी हमने देखा है कि हमारे लोगों के अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी थी, उन्होंने लोगों को जागरूक किया है। जागरूक करने के बाद उनका जो स्क्रीनिंग जो हुआ है, टेस्टिंग वगैरह हुआ है, तो उससे हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है। अवेयरनेस की वजह से आज हम हरियाणा में नंबर वन पे हैं, और इसीलिए हम फिर बार बार इसी चीज़ को दोहराते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का, हमारी जो सरकार का, इन सबका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने जो प्राइवेट्स हॉस्पिटल्स के अंदर भी इधर उधर जो अभी केसेस बहुत आए थे, उनके भी सुना था कि उनके अंदर भी बहुत ऐसी चीज़ें हुई थी जो भी बेड्स तक भी नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी आज हमारा पलवल नंबर वन है, और पब्लिक की अवेयरनेस की वजह से, डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की वजह से आज हम नंबर वन हैं और नंबर वन ही रहेंगे। ये हमारी ये सभी सरकार से सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई जैसा हम लोगों ने किया आगे भी ये रिस्पॉन्स करते हैं। धन्यवाद।